कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ अब जहाँ इस समय बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि काउंसलिंग वाला फर्स्ट राउंड हो रहा है, और काफी लोग का एक कमेंट है यानी कि कॉल है कि सर आखिर मेरा नहीं हुआ, तो कितना तक बच्चे का मैंने आया था नंबर कि हो गया है और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कितना नंबर तक आया था, रिजल्ट हो गया है, काफी लोग जांच कर लिए होंगे लोग, और जिनका हुआ है ना उनका भी छटैया होगा, ये फिक्स ही है। ठीक है, जो जो बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, जो जो विद्यालय उठाया हुआ है, तो उनका भी एडमिशन होने के प्रोसेसिंग में, या नहीं भी कराते हैं जो बच्चे, उनका जगह खाली हो जाएगा और फिर सेकेंड लिस्ट में उनका होम सेंटर कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि जिनका हुआ है और भेज दिया दूर, मान लीजिए कनाडा किसी के भेजा है, किसी के मान लीजिए उत्तर प्रदेश भेजा है, किसी के बिहार भेजा है, अपने होम सेंटर नहीं मिला हुआ है, होम माने जहाँ आस पास में पढ़ रहे हैं वहां पर वो नहीं मिला है, तो क्या उनको मिल सकता है सेकंड लिस्ट में? बिल्कुल मिल सकता है, जिनका उठा लिया है। और जिनका उठा लिया है तो वो लोग एडमिशन कराएंगे, और बहुत लोग मेडिकल में भी छटते हैं। ठीक है, तो इस पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जिनका नहीं हुआ है। और कटअप की बात करें तो कटअप आप लोग को मालूम होना चाहिए, सब जांच कर लीजिए, खुद देखिएगा तब खुद मालूम चल जाएगा कि 180 ना 200 ना 240 सीधे गया है 280 प्लस में। अब जितने लोग 150 ले जाकर झुंझुना बजा रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, तो समझिए कि उनका होना ही नहीं है। सबसे पहले वो अपना दूसरा रास्ता करें, इनका 200 भी है ना वो झुंझुना ही बजाएंगे। ठीक है, उनका होने वाला नहीं है, और अभी भी है कि हाँ मेरा हो जाएगा तो संभव है। ठीक है, होना तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ सर डिमोटिवेट मैंने डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो जो मोटिवेट किए इतने दिन से, साल भर से आपको 150 लिया कर 200 लिया कर झुंझुना बजवा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम सोचिए कि आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, आप चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हाँ साल भर से डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट हो रहे थे आप लोग, साल भर से मोटिवेट मोटिवेट आपको कराया जा रहा था कि साल भर में आपका किए हैं, आपका 150 नंबर आया, 200 आया, तो उससे काम नहीं चलने वाली है। कम से कम 280 प्लस मिसाल हुआ है, 267 भी हुआ, 270 भी हुआ, SC ST OBC जनरल के कास्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मैक्सिमम फर्स्ट में आपका 280 75 प्लस में जिनका आया था उनका सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट राउंड में। देखिए, जिनका हुआ है और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो वो अपना क्या करेंगे उसमें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं करेंगे तो उनका फिर से आप री मैंने काउंसलिंग कराएंगे, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन बहुत लोग करा भी लिए होंगे। जिनका 150 आया है 200 आया है वो छोड़ दे, दूसरा रास्ता देखे, नवोदय है, सिमुलतला है, ठीक है, BHU है, वो अपना तैयारी करेंगे। बाकी जानकारी जो आपको बच गया होगा, जो आपको नहीं मिला होगा इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करेंगे उस पर वीडियो आपको बनेगा। अब बहुत जल्दी आप लोग का क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप, ठीक है, क्लास 9th पढ़ेंगे या 8th पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, सारी क्लास की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो ये जानकारी कैसी लगी, आप लोग डिमोटिवेट मत होजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा सफर बाकी है, क्योंकि रिजल्ट ये छोटा मोटा है कि नहीं कि हाँ हो गया है तो आपका जवाब ही लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो जो शुक्रवार बच्चे होते हैं जाने के बाद में, वहाँ पर 10% पढ़ाई में कमी होती है, बाकी 90% एकदम पूरा वहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और मिलता है। जो बच्चे ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं उनको भेज दीजिए, वहाँ पर एकदम कुटाई होगा तो समझ में उसको आ जाएगा। तो अगर चाहते हैं उसमें बच्चों को एडमिशन कराने के लिए करा सकते हैं, या जाइएगा दौड़िएगा पूरा उसमें चक्कर लगाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना दूर है या कितना दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको दिक्कत हो तो एडमिशन मत करिएगा, जाइए फीस देखिएगा, 2-2 लाख जब फॉर्म आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर होम सेंटर नहीं मिला है तो बहुत सारे विद्यालय हैं, आप उसमें मत पढ़िए, बहुत सारा ऐसा रास्ता आप देख सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हाँ AISS में आप एडमिशन कराइए, ठीक है, तो बहुत बच्चे छटते भी हैं, और 500 का विद्यालय 9th का भी है, और देख लीजिए बच्चा बहुत 20 हज़ार 22 हज़ार 1.25 लाख क्लास 6 में बैठे हैं, और 9th में 20 22 हज़ार के लपेट में रिजल्ट हुआ है, 1.25 लाख क्लास 6 में हुआ है, आपका विद्यालय के भी बहुत कम ही है, तो उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन आपका बड़ा है। तो आप उस चक्र में मत पड़िए कि हाँ हमें 150 200 नंबर ले देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, इससे मुद्दा नहीं है, यहाँ PT हो गया तो मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, यह है सैनिक स्कूल। तो बाकी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जब आपको जानकारी कैसी लगी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, आप बहुत जल्दी आप लोग का स्टार्ट होने वाले, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।